जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 6 देखो जंगल अजब निराला, पाठ संख्या 6 देखो जंगल अजब निराला को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तीन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए जो, तीन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए जो, जो मतलब आगे अब क्या है देखो, जो रात में देख सकते हैं। उन तीन जीव जंतुओं के नाम बताने हैं जो रात में देख सकते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हमने लिख दिया जैसे एक उल्लू, क्या लिख दिया हमने, उल्लू। ठीक है, दूसरा लिख दिया बिल्ली, एक लिख दिया हमने बिल्ली, फिर एक हमने लिख दिया चीता। ठीक है, ये जीव जंतु रात में देख सकते हैं, क्या है, तीन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए जो रात में देख सकते हैं, तो उल्लू बिल्ली और चीता। ठीक है, फिर आते हैं आगे, तीन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए जो जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं। उन जीव जंतुओं के तीन के नाम बताने हैं जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं। तो सबसे पहले लिख दिया हमने गाय, गाय हमारे साथ रहती है, कुत्ता, कुत्ता भी रह सकता है साथ में, रहता है ना, और एक हमने लिख दिया बकरी। तो ये तीन जीव जंतु है जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं। फिर क्या है, तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए जो जिनसे हमें दूध मिलता है। उन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। तो हमें दूध को किस किस से मिलता है, एक तो हमने लिख दिया गाय, एक हमने लिख दिया भैंस, और एक हमने लिख दिया बकरी। तो इन तीन जीव जंतुओं से हमें दूध मिलता है। अब तीन और कौन से जो घास खाते हैं, तीन जानवरों के जीव जंतुओं के नाम बताने हैं जो घास खाते हैं। तो घास कौन कौन खाते हैं, गाय, हिरण और घोड़ा। गाय, हिरण और घोड़ा, ये तीनों क्या खाते हैं, घास खाते हैं। ठीक है, जो मांस खाते हैं उन तीन जीव जंतुओं के नाम, एक हमने लिख दिया शेर, दूसरा हमने लिख दिया मगरमच्छ, मगरमच्छ, एक लिख दिया हमने चीता। तो ये तीन जानवर जीव जंतु जो है मांस खाते हैं। अब जो कीड़े मकोड़े व कीट पतंगे खाते हैं, उन तीन जीव जंतुओं के नाम बताओ जो कीड़े मकोड़े व कीट पतंगे खाते हैं। तो एक तो मेंढक, दूसरा लिख दिया कौवा, एक लिख दिया तीसरा छिपकली। ये तीन जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े व कीट पतंगे खाते हैं। जो अनाज के दाने खाते हैं वो कौन से तीन जीव जंतु है, एक तो है चिड़िया, दूसरी है मैना, तीसरा है कबूतर। ये तीनों जीव जंतु अनाज के दाने खाते हैं। जिन्हें हम पालते हैं वो कौन से तीन जीव जंतु है, गाय,
बकरी और कुत्ता, ठीक है, गाय बकरी और कुत्ता, ठीक है। फिर है जिनके दांत नहीं होते, वो तीन जानवर जीव जंतु कौन से हैं? एक तो हो गया सांप, बिच्छू, और मेंढक, ठीक है, इनके दांत नहीं होते हैं, ठीक है, तीनों के, सांप, बिच्छू और मेंढक, ठीक है। वापस देखो बच्चों, तीन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए जो रात में देख सकते हैं। उल्लू, बिल्ला, उल्लू, बिल्ली, चीता, ठीक है। जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं, वो तीन जीव जंतु कौन से हैं? गाय, कुत्ता, बकरी। जिनसे हमें दूध मिलता है, गाय, भैंस, बकरी। जो घास खाते हैं, गाय, हिरण, घोड़ा। जो मांस खाते हैं, शेर, मगरमच्छ, चीता। जो कीड़े मकोड़े वे कीट पतंगे खाते हैं, मेंढक, कौआ, छिपकली। जो अनाज के दाने खाते हैं, चिड़िया, मैना, कबूतर। जिन्हें हम पालते हैं, गाय, बकरी, कुत्ता। जिनके दांत नहीं होते हैं, सांप, बिच्छू वे मेंढक, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? तीन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखे जो ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण।